रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सस्मिता महंती चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मावा लड्डू बनाएंगे। देखिए, मावा लड्डू आप आसान से घर में बना सकते हैं। ये घर में बनाया हुआ मावा है, इसको आप आसान से घर में मावा भी बना सकते हैं। चलिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मावा कैसे बनाते हैं। अभी चलिए हम बताते हैं मावा के लड्डू हम कैसे बनाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। मावा का लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पे 200 ग्राम मावा लिए हैं, 100 ग्राम बूरा लिए हैं। अगर आपके पास बूरा नहीं है, आप चीनी को मिक्सर जार में पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। कुछ पिस्ता लिए हैं डेकोरेट करने के लिए, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। कुछ काजू और कुछ बादाम को छोटा छोटा टुकड़ा करके काट दिए हैं। 3 टीस्पून देसी घी लिए हैं। चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले कढ़ाई को गर्म कर लीजिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें मावा डालेंगे। मावा को आपको हाई फ्लेम में नहीं भूनना है, लो फ्लेम में भूनना होगा क्योंकि मावा जल जाएगा। इसका कलर हल्का सा चेंज होने के बाद हम भूनना बंद कर देंगे। देखिए, मावा का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी और 1-2 मिनट के बाद हम इसको निकाल देंगे। देखिए, मावा अच्छे से हो गया है, अभी हम इसको निकाल देंगे। को दूसरे बर्तन में निकाल दिए हैं। अभी मावा बहुत गर्म है, अभी हम इसमें बूरा नहीं मिलाएंगे। मावा को पूरा ठंडा होने के बाद हम इसमें बूरा मिलाएंगे। अभी पहले ड्राई फ्रूट्स मिला लेंगे। काजू, बादाम, इलायची पाउडर, पिस्ता को रखेंगे, बाद में लड्डू के ऊपर लगाएंगे। अभी सारे चीज को अच्छे से मिला लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी मावा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अभी हम इसमें बूरा मिला लेंगे। मावा पूरा ठंडा होने के बाद आपको बूरा डालना होगा क्योंकि अगर गर्म रहता है मावा और आप बूरा डाल देंगे तो मावा पूरा पानी हो जाएगा, आपका लड्डू नहीं बनेगा। इसलिए पूरी तरह से ठंडा होने के बाद हम बूरा मिलाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अभी हम सारे चीज को अच्छे से मिला लेंगे। अभी सारे चीज को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें से लड्डू बनाएंगे। में अच्छे से घी लगा लीजिए या ऑयल लगा लीजिए और इसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। साइज आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, छोटा और बड़ा।
अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगा लेंगे। देखिए इसे हम सारे तैयार कर लेंगे। देखिए सारे लड्डू बनके तैयार हो गया। कितना जल्दी आप मावा लड्डू बना सकते हैं घर में। मावा लड्डू बनाने के टाइम में आपको एक बात का ध्यान रखना है, मावा भुनने के टाइम में ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको नहीं भुनना है, लो फ्लेम में भुनना होगा। इसका कलर चेंज होने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें बूरा डालेंगे और इसके बाद लड्डू बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। आप एक बार इसको घर में बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।